फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे पीपीएफ के बारे में कि ये कहाँ से ओपन कराएं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा और क्या बेनिफिट है, कितने पैसे डालने पड़ेंगे हमें, कितना रिटर्न मिलेगा और भी बहुत कुछ। तो चलिए जानते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जो लंबे समय के लिए एक बेहतरीन स्कीम है, जिसका अभी करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% है। ये 7% से 9% तक वेरी होता रहता है, पर कोरोना काल में ये थोड़ा कम है, पर ये चेंज होता रहता है। अभी बाकी सब बैंक जहां 4 से 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वहीं पीपीएफ आपको 7.1% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। आप पोस्ट ऑफिस में या कोई भी ऑथराइज्ड बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। पीपीएफ अकाउंट कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियन खुलवा सकता है। इसमें आप माइनर का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर वो अकाउंट सिर्फ उसके गार्डियन ही ऑपरेट कर सकते हैं, और गार्डियन और माइनर का कंबाइन आप मैक्सिमम 1,50,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुला सकते। एक इंडियन रेसिडेंट सिर्फ एक अकाउंट ही खुलवा सकता है। आप सिर्फ इसमें नॉमिनी रख सकते हो, और आप चाहे तो पीपीएफ अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करवा सकते हो। पीपीएफ 15 साल की एक स्कीम है, जिसमें आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 से लेकर मैक्सिमम 1,50,000 तक पैसे डालने होते हैं, और ये पैसे आप अपने हिसाब से मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेस पे डाल सकते हो। आप चाहो तो एक साथ 1,50,000 या हर महीने 10,000 करके भी अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये भी नहीं डाले तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, और आप उसे 50 की पेनल्टी देकर चालू भी करा सकते हैं। अगर आपने 3 साल तक 500 रुपये भी नहीं डाले तो आपको 3 साल के 500 के हिसाब से 1,500 रुपये और 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से 150 पेनल्टी यानी टोटल 1,650 देके आप अपना अकाउंट वापस एक्टिव करा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट अगर आप 1 जून 2020 को ओपन करवाते हो तो वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से 15 साल का टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। इसमें आपको मंथली कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। हम अपना पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद चाहे तो 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। पीपीएफ का एक बड़ा फायदा है कि उसमें आपको पैसे पे मिला इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहता है, और आपको पीपीएफ के पैसे में सेक्शन 80C के तहत टैक्स रिबेट भी मिल जाता है। अगर आपको इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाना हो तो 5 साल के बाद अगर आपको या आपकी बीवी या आपके बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो, या आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए हो, या आपका रेसिडेंट स्टेटस बदल जाए, तो इन केस में 1% की पेनल्टी के साथ आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है उसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आप अगर 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और करंट इंटरेस्ट रेट है 7.1%, तो 15 साल में आपको टोटल 31,97,323 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपने टोटल 18 लाख निवेश किए होंगे और 13,97,232 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल की है और आप 15 साल के बाद भी ये स्कीम में एक्सटेंड करके 30 साल तक 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको टोटल अप्रोक्स 1.2 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या इंस्टा पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।